ना भगवादारी को कोई मिटाने वाला पैदा हुआ भैया, कम से कम राम के लिए तो तालियां बजा दो। ये स्टालिन तमिलनाडु का मुख्यमंत्री का लोंडा हमारे धर्म के लिए बोल रहा है। मुल्ला जी, गलती से भगवान ना करे आपके धर्म के लिए बोला होता तो अब तक सड़कों पे काहे नारे लग गए होते हैं? हिंदू क्या कर रहा है जवानी में? चिली पटेटो, चौमीन, मोमोज, पिज्जा खा रहा है, कच्चा बादाम कर रहा है, पक्का बादाम कर रहा है और रील डाल रहा है। ये पट्टी बांध के सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि हम एकजुट हो गए हैं। अबे अंध भक्तो, गोबर भक्तो तुम, चिरकुटो और पाकिस्तान वालों तुम, तुम्हारी तो जितनी टू 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 और ये पिक्चर नहीं बनाई है। इस देश में 2024 के लिए बॉलीवुड ने एजेंडा चालू करके अब बॉलीवुड में आ गए मोदी को हराने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। नहीं तो योगी आदित्यनाथ के बाद ऐसी चीज बांधी जाएगी ना तो ये बच्चा पैदा कर पाएंगे और ना ये अपनी लुगाई को बता पाएंगे। हिजड़े वो होते हैं जो हिंदुओं के साथ खड़े होकर ताली भी नहीं मारते राम के नाम पे। हिजड़े वो होते हैं। बॉलीवुड तक चाहता है कि मोदी चला जाए। अरे तिलकधारी किसी को पसंद नहीं आ रहे मेरे भाई, लोग नहीं चाहते देश में भगवा बढ़े। लोगों को भगवा अच्छा नहीं लग रहा। राम मंदिर जो बन रहा है ना, जाके पता कर लो, 10,000 कारीगर उसमें मुस्लिम भी काम कर रहे हैं जो वहां पर छेनी हथौड़ा लेके बैठे हैं। उनसे पूछो, मुल्ला जी ये क्या कर रहे हो? कह रहे राम का मंदिर बना रहे हैं। शाहरुख खान की गलती नहीं है? शाहरुख खान को जो 70 साल से सिखाया गया है वो वही काम कर रहा है। अब उसको ट्रिक दी गई है कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी दोबारा आ गया तो बॉलीवुड में जितना हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनता था वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। केजरीवाल, अरे तू तो जवान पिक्चर की शूटिंग कर रहा है आजकल, है तेरी जवानी कहाँ चली गई? सोले सोले पटोले लक्का। जिसने राम के खिलाफ बोला है ना वो आज सड़कों में वोट मांग रहा है। राहुल गांधी और पप्पू और पाकिस्तान आटे को तरस रहा है क्या? अब एक जो मूवी आई है चिरकुट मूवी, चिरकुट समझते हो? अबे लौंडे पागल हो गए? लुगाई कह रही है सुनो जानू, मेरी तुम्हारे से शादी हो रही, तुम्हारे को कब आंख में बवासीर हो गया? लौंडे पट्टी बांध के घूम रहे मुल्ला जी। 800 करोड़ पार कर चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, ये पिक्चर नहीं बनाई है, ये पिक्चर नहीं बनाई है। इस देश में 2024 के लिए बॉलीवुड ने एजेंडा चालू करके अब बॉलीवुड में आ गए मोदी को हराने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। शाहरुख खान की गलती नहीं है? शाहरुख खान को जो 70 साल से सिखाया गया है वो वही काम कर रहा है। अब उसको ट्रिक दी गई है कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी दोबारा आ गया तो बॉलीवुड में जितना हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनता था वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। 70% मजाक बनना खत्म हो चुका है। क्या किसी धर्म का मजाक मत बनाओ। ये स्टालिन है, स्टालिन जिसको स्टेरिंग बोलते हो आप लोग, इसकी स्टेरिंग फेल हुई पड़ी है। ये स्टालिन तमिलनाडु का मुख्यमंत्री का लोंडा हमारे धर्म के लिए बोल रहा है। जितने भी हिंदू हैं सब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अगर यही बात मुल्ला जी, गलती से भगवान ना करे आपके धर्म के लिए बोला होता तो अब तक सड़कों पे काहे नारे लग गए होते हैं? बहुत तगड़ा देना पड़ता। नुपुर शर्मा ने 4 लाइनें बोली, नुपुर शर्मा ने 4 लाइनें बोली और वो भी वही बोली जो किताब में लिखी थी, और कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि अगर मैंने गलत बोला है तो मेरे को उठा के फांसी दे दो। मगर लोगों ने क्या बोला? लोगों ने बोला सर मैं नहीं बोल सकता, और जो जो हमारे धर्म को मिटाने आया उसकी लिस्ट ले लो। आज वो कहाँ है आपको खुद पता होगा, उनके रिश्तेदार यहाँ रिक्शा चला रहे हैं। भैया सुन लेना, गौरी, खिलजी, गजनवी, शेख, भून, कुशक, अरब और एक खलीफा, एक मियां खलीफा है जिसको चोरी छुपे देखते हैं लोग, उसको भी देखते हैं क्या? एक मियां, हाँ वो भी शौक है। औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं, तुरक, यमन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, मगर भगवाधारी आज भी जिंदा है। क्या जिंदा है टाइगर? ना भगवाधारी को कोई मिटाने वाला पैदा हुआ भैया, कम से कम राम के लिए तो तालियां बजा दो। मैंने ऐसी पीढ़ियों के नाम गिनवाए हैं जिनके वंशज हिंदू थे। आज एक पुलिस वाला, आर्मी वाला भी ये सोचता है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। क्या मेरे हाथ बंधे हैं? नहीं तो योगी आदित्यनाथ के बाद ऐसी चीज बांधी जाएगी ना तो ये बच्चा पैदा कर पाएंगे और ना ये अपनी लुगाई को बता पाएंगे। ओहो, क्या बात।
जो बात इंदिरा गांधी ने करी थी ना 90 में, स्वर्गीय इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री ने, हमारे साथ भी ये लोचा करा था, हमारे बुजुर्गों ने बताया है। हम बने हैं धर्म युद्ध के लिए। अरे बलि जो दी जाती है ना वो बकरों की दी जाती, शेरों की बलि नहीं दी जाती। शेर रणभूमि में जाके युद्ध लड़ते हैं, शेर रणभूमि में जाके युद्ध लड़ते हैं। और हिजड़े वो नहीं होते, हिजड़े वो नहीं होते हाँ वो बेचारे अपनी कमाई का साधन है। हिजड़े वो होते जो हिंदुओं के साथ खड़े होकर ताली भी नहीं मारते राम के नाम पे, हिजड़े वो होते हैं। हिंदू क्या कर रहा है जवानी में, चिली पटेटो चौमीन मोमोज पिज्जा खा रहा है, कच्चा बादाम कर रहा है, पक्का बादाम कर रहा है और रील डाल रहा है। क्या रील डाल रहा है? मैं अब भी कह रहा हूँ क्रोध को पालना सीखो काशी, क्रोध को पालना सीखो, क्रोध को पाल के रखो और जब तुम्हारा समय आए तो भाई साहब एक हाथ में संविधान और एक हाथ में अपने बच्चों को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए शस्त्र रखो। संविधान भी है, जो भी बंदा संविधानिक तौर पे चल रहा है, ये भाई बराबर में खड़े हैं। अगर हमारा इनसे कोई बैर होता तो ये मेरे बराबर में कैसे खड़े होते पूछो? बिल्कुल नहीं खड़े होते। कैसे खड़े होते? मगर एक फर्क बताओ क्यों खड़े हैं? ये कलाम की सोच वाले हैं। क्या कलाम की सोच वाले? और जो कसाब की सोच वाले हैं ना, वो अभी बिलों में घुसे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं एक बार मोदी चला जाए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बॉलीवुड तक चाहता है कि मोदी चला जाए। क्या सेट कर दिया जवान ने? अरे तिलकधारी किसी को पसंद नहीं आ रहे मेरे भाई, लोग नहीं चाहते देश में भगवा बढ़े, लोगों को भगवा अच्छा नहीं लग रहा। अरे जाके देखो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिर्फ शोभा यात्रा में थूकने वाले के घर में बुलडोजर चला दिया और ये हमारे आराध्य को, ये सोहा प्रसाद मौर्या, सोहा प्रसाद मौर्या है ना वो, स्वामी तुम्हारा होगा, हमारी नजरों में उसका सोहा आज भी हुआ है, कल भी होगा। और उसका जब उसका भोजन भी करने जाएंगे, जिस दिन वो अपनी इच्छा से जाएगा, जिस दिन वो जाएगा ना, तो भैया हम ब्राह्मण आदमी सनातनी तेरवी का भोजन करने जरूर जाएंगे और कहेंगे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जिसने जिसने राम के खिलाफ बोला है ना, वो आज सड़कों में वोट मांग रहा है राहुल गांधी और पप्पू, और पाकिस्तान आटे को तरस रहा है। क्या अब एक जो मूवी आई है चिरकुट मूवी, चिरकुट समझते हो? अबे लौंडे पागल हो गए, लुगाई कह रही है सुनो जानू मेरी तुम्हारे से शादी हो रही, तुम्हारे को कब आंख में बवासीर हो गया? लौंडे पट्टी बांध के घूम रहे मुल्ला जी, ये पट्टी अरविंद हॉस्पिटल में बनती है। भाई साहब दिल से बताना, आप लोग बीमार हो? आप लोग बीमार हो? आप लोगों ने सुना कभी आंख में बवासीर होती हो? कभी सुना हो मुंह में बवासीर होती हो? मेरे जाने के बाद इनको बवासीर 110% होगी। जोरदार तालियां बजा दो राम के नाम पे। भाई साहब जोश रखो, अगर तिलक लगाते हो, गमछा पहनते हो और किसी हिंदू से मत खिलसो, सपोर्ट करो। ये चप्पल जूते और गमछे की लड़ाई छोड़ दो, टी शर्ट की अगर भाई पहन गया तो पहनने दो, दो गज के लिए मत लड़ो। ये जो दो दो गज के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हो ना, ये बाहर वाला फायदा उठाएगा। ये पट्टी बांध के सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि हम एकजुट हो गए हैं। अबे अंध भक्तो, गोबर भक्तो तुम, चिरकुटो और पाकिस्तान वालों तुम, तुम्हारी तो जितनी टू 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 और जितनी बड़ी टू उतनी बड़ी गाली, टू 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 टू। ये पट्टी बांध के घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं कि धर्म के नाम पे वोट मत डालो। क्या धर्म के नाम पे? इन्हीं के चाचा ताऊ औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं और इस कांग्रेस ने 70 साल में केवल जो है ना हिंदू मुस्लिम करा के ही वोट डलवाया है। क्या हिंदू मुस्लिम करके हमने करे? राम मंदिर जो बन रहा है ना, जाके पता कर लो, 10,000 कारीगर उसमें मुस्लिम भी काम कर रहे हैं, जो वहां पर छेनी हथौड़ा लेके बैठे हैं। उनसे पूछो मुल्ला जी ये क्या कर रहे हो? कह रहे राम का मंदिर बना रहे हैं और ये ओवैसी के मुंह पे गोबर पड़ रहा है। पूछो क्यों? ओवैसी कहता था राम मंदिर हटा के दिखा दो, बना के दिखा दो, और वहां मुल्ला जी क्या कह रहा है? राम का मंदिर बना रहे हैं। तो राम का मंदिर कौन बना रहे? मुस्लिम। और वो मुस्लिम कौन है पता है? जो एक्चुअल में कलाम की सोच रखता है। मंदिर तोड़ने वाले मिल जाएंगे मगर मंदिर बनाने वाले ऐसे लोग आपको 1,00,000 ढूंढोगे तो 4 मिलेंगे। ये वो व्यक्ति है जो खड़ा होता है तो कहता है राम तुम्हारा नहीं है, राम हमारा भी है। क्या पूरे हिंदुस्तान के आदर्श है। और सोनिया गांधी क्या कहती है? राम एक कल्पना है, नासा मांगती है। और तुम जो कह रहे हो झूमे जो पठान मेरी जान, अरे तुम्हारे चक्कर में लौंडों के रिश्ते नहीं हो रहे मेरे भाई। ये पट्टी बांध के घूम रहे लौंडे, इनसे पूछो बवासीर होती कहाँ है? इनका पिछवाड़ा मुंह में आ गया या मुंह पिछवाड़े में चला गया? एजेंडा चला रहे हैं कि 2024 में मोदी को वोट नहीं देना, मूवी में इस तरीके से दिखाया जा रहा है।
धर्म के नाम पे वोट नहीं देना। हमने कब बोला धर्म के नाम पे वोट दो? पिछले हफ्ते भाई कश्मीर से होकर आया हूँ मैं, कश्मीर से। कश्मीर की सड़कें जितनी हिंदुओं के लिए उतनी मुसलमानों के लिए नहीं है। कश्मीर की 80% आबादी मुस्लिम है। क्या 80% आबादी मुस्लिम है, मगर वो खुद धर्म के नाम पे बटे हुए हैं। हमने नहीं बांटा। 90 में कौन भागा? हिंदू भागे, मुस्लिम भागे? हिंदू भागे, क्योंकि हिंदू जो है भाग भाग के परेशान हो गए। मैं भी कह रहा हूँ राम के साथ साथ परशुराम को फॉलो करना शुरू कर दो। अगर परशुराम और भगत सिंह को फॉलो नहीं करोगे तो आज नहीं तो कल पछताओगे। ये सोशल मीडिया में जितनी भी रील देख रहे हो, जितनी भी वीडियो बना रहे हो, ये वीडियो के साथ साथ एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर अपनी बहन बेटियों की रक्षा ना कर पाओ तो बुरा मत मानना, फिर अपने आप को तिलकधारी बोलना और गमछा पहन के घूमना बंद कर दो। मत बोलो हम हिंदू हैं, मत बोलो। और जिस शिवलिंग की आप रक्षा नहीं कर सकते, उस शिवलिंग में जल चढ़ाना और दूध चढ़ाना भी बंद कर दो। पट्टी क्यों लाए आप, कुछ बताएंगे इसके बारे में? पट्टी एक बीमारी होती है, उसको बवासीर कहते हैं। क्या बवासीर? और एक होता है भगंदर। भगंदर अंदर होता है, इतना मोटा गोला गोला सा बन जाता है बहुत सारा। अब मुझे समझ नहीं आ रही है, ये लोग ये पट्टी बांध के घूम रहे हैं। भाई साहब आपको बांध दूं? नहीं यार, दिल खुश कर लो आप। नहीं चाचा, एक बात बताओ, ये हमारे देश का युवा पट्टी बांध के घूम रहा है क्या? बताओ आप, पट्टी बांध के घूम रहा है? अरे अगर पिक्चर का नाम हॉस्पिटल हुआ तो आईसीयू में जाएंगे लोग पिक्चर देखने, बेड में लेट के। बोले कहा देख रहे हैं? बोले पिक्चर देख रहे हैं। ये व्यक्ति ने केवल 2024 का एजेंडा है कि धर्म के नाम पे वोट मत डालो। हम तो खुद कह रहे हैं विकास के नाम पे वोट डालो। हम तो कह रहे हैं विकास के नाम पे वोट डालो। ये G20 दिखाओ पीछे भैया, एक बार ये पीछे दिखाओ G20 का बोर्ड, ये देखो दिल्ली के कनॉट प्लेस से है। दिल्ली के कनॉट, अच्छा तुम्हें भी पता है ये कनॉट प्लेस है? नरेंद्र सुनो, इसको जो केजरीवाल है ना, वो लंदन बताता है कागजों में। कहा? हाँ, G20 के बाद कांग्रेस किलस गई। पाकिस्तान में रातों रात 10 लाख लोगों को बवासीर हो गई, और तुर्की तो बावली खेल गया, कह रहा हूँ मैं जी मोदी जी, इतना बढ़िया प्रोग्राम कर दिया तुमने, चारों तरफ लाइटें लगा दी, मेरी वाइफ भी कह रही आई लव मोदी। अंग्रेजों की प्रधानमंत्रियों की वाइफ कह रही आई लव। और गर्व होता है जब शेर का बच्चा व्हाइट दाढ़ी और मूछ लेकर दहाड़ रहा होता है ना, तो फक्र से कहते हैं हम हिंदू सनातनी और हिंदुस्तानी हैं। और एक चिरकुट निकलता है जो कहता है देखिए ये पक्षी भी बेरोजगार हो गए हैं। अरे पक्षी भी बेरोजगार होते हैं, आपने कभी पक्षियों से बात करी है? नहीं महाराज, आपने करी है भाई पक्षी से बात? कभी आपको तोते ने बताया हो मैं बेरोजगार हो गया हूँ? नहीं कभी नहीं बताया। कभी कौवे ने बताया मैं बेरोजगार हो गया हूँ? कभी नहीं बताया। अच्छा कौन सी भाषा में बोलते हैं पक्षी? राहुल गांधी की भाषा। हाँ राहुल गांधी, भैया जोरदार ताली बजा दो इस बंदे के लिए। राहुल गांधी की भाषा में पक्षी बोल सकता है। 2024 में अपने वोटों की ताकत को पहचान लो। 2024 में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हालात देश में ऐसे हैं। पत्रकार साहब फिर क्या होना है? 14 पत्रकारों की लिस्ट जारी करी है। कितने? 14। मैं फक्र से कहता हूँ भाई जोरदार तालियां बजा दो इन पत्रकारों के लिए, जोरदार। एक बार दिल से बजा दो राम के नाम पे। ये पत्रकार है जो सच्चाई दिखा रहे हैं, नहीं तो तुम्हारे नाम के आगे और तुम्हारे चेहरे में रवीश कुमार का मुकोटा लगा होगा। रवीश कुमार क्या कहता पता है? जब कश्मीर में 4 आतंकवादी पकड़े जाते हैं पत्थरबाज, तो कहता है 4 बेरोजगार पकड़े गए। क्या बेरोजगार आदमी ये काम करता? भाई साहब आप बेरोजगार होगे तो पत्थर मारोगे? ऐसे पत्रकार हमें नहीं चाहिए। और बहुत अच्छा करा कि इन्होंने लोकतंत्र खुद खतरे में कर दिया। पूछो कैसे? कैसे पूछो, सैलरी आपको मिलती है कैसे? तेज पूछो कैसे। हाँ अब तो पत्रकारों को भी छांटा जा रहा है। 16 पत्रकार छांट लिए। क्या 16? इनसे ये पूछो 2024 में इलेक्शन के टाइम पे बुलाएंगे किसको? प्रचार कैसे करेंगे? क्या उस टीवी में ऐड नहीं देंगे? क्या भगवंत मान ये केजरीवाल जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात? केजरीवाल अरे तू तो जवान पिक्चर की शूटिंग कर रहा है आजकल, है तेरी जवानी कहाँ चली गई? सोले सोले पटोले लक्का। तू तो आया था दिल्ली सुधारने, तेरे को क्या लेना जवान मूवी से बे बुड़बक? कह रहे शाहरुख खान जी ये केजरीवाल अरे पिक्चर की तारीफ कर रहा है।
एक सपोर्ट किया है? सपोर्ट नहीं करा, ये कुछ भी दे सकता है उनको, समझ जाओ अब। ये वो भी दे सकता है जो जल्दी मिलता नहीं है लोगों को, समझ जाओ। वो पीछे होता है और बहुत काम की चीज है, बड़े काम की चीज है। क्योंकि राजनीति को सबसे गंदा करने वाला इंसान अरविंद केजरीवाल उल्फ झूठों का सरदार, ऐसा व्यक्ति है। जब बेचारा वहां मंच में खड़ा हुआ, मैं बेचारा क्यों बोल रहा हूं मालूम है? जब बेचारा वहां मंच में खड़ा हुआ ना, तो उसको जगह नहीं मिली तो ऐसे खड़ा था। मैंने कहा मल्लिका शेरावत खड़ी है क्या? सीधे नहीं खड़े हो पा रहा था ना, चौड़े होके ऐसे खड़ा था। पीछे से एक आदमी कह रहा, सर थोड़ा सीधे खड़े हो जाओ। कह रहा, जब तक अन्ना हजारे जिंदा है, जब तक मैं सीधा भी नहीं खड़े हो सकता। जवान मूवी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कहते हैं इंडियन आर्मी जिंदाबाद, हम कहते हैं जय जवान जय किसान, हम कहते हैं डॉक्टर जवान है, आप जवान हो, ये भाई भी जवान लग रहा है। 58 साल का अगर जवान है आकाश त्यागी, तुम तो पैदा भी नहीं होगे भाई। अरे कम से कम सेंस तो होना चाहिए। उसमें यह दिखाया जा रहा है कि 24 में इलेक्शन है और मैं डायरेक्ट टारगेट कर रहा हूं जवान मूवी की टीम को। मुझे कोई डर नहीं है, चाहे कोई सपोर्ट करे या ना करे, क्योंकि हिंदू सपोर्ट नहीं करता है, मगर कुछ हिंदू जाग चुके हैं। 2024 में अगर वोट डालने से पहले अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं लगाया कि किसको वोट, तो आपके बच्चों का भविष्य 90, 84, 47, 71, 2020 और मेवात जैसा होगा। मुझे मत बोलना कि दिल्ली के दीपक जी फिर कुछ बोलो, क्योंकि हम हंसी मजाक करने नहीं आते, मगर हम इसलिए बोलने आते हैं कि लोग हमारी वीडियो देखने के बाद कहते हैं कि वोट उसी को दो जो धर्म की रक्षा करे, देश की रक्षा करे और विकास की ओर चले।